अल्हम्दुलिल्लाह कफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदुल मुरसलीन वला आलि असहाबिल अजमईन अम्मा बाद फऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह बिल वालिदैन एहसाना। मोहतरम हज़रात, मेरे प्यारे अज़ीज़ माँ और बहनों, आज की इस पुरानक जलसे में मैं जिस मौजू को मातहत लबकुशाई करना चाहती हूँ वह है वालिदैन की इताअत उनसे हुस्न सुलूक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मौद قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم على الوقتها قال ثم اياه قال ثم بالوالدين قال ثم اياه قال ثم اجهد في سبيل الله। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन से मल अल्लाह ताला का ज़्यादा पसंद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने कहा फिर कौन से मल अल्लाह ताला का ज़्यादा महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप से अच्छा सलूक करना। मैंने कहा फिर कौन से मल अल्लाह ताला का ज़्यादा महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के राह पे जिहाद करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तआला से रिवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछा ए अल्लाह के रसूल मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उसने पूछा फिर कौन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। उसने पूछा फिर कौन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ। चौथी मरतबा उसने पूछा फिर कौन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप। है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुरैज एक रहाब शख्स थे, उसने इबादत के लिए शहर बाहर जंगल में एक इबादत गाह बना रखे थे, वो उसी इबादत में रहते थे। एक मरतबा उसके वालिदा उससे मिलने आई तो वो नमाज नफल पढ़ रहे थे। उसके वालिदा ने पुकार जुरैज, जुरैज ने दिल में कहा आए मेरे रब, एक तरफ मेरे नमाज और दूसरे तरफ मेरे वालिदा, क्या करूँ। चुनांचे उसने वालिदा का जवाब देने की वजह नमाज को तरजीह दी, हत्ता कि उसके वालिदा वापस चले गए। दूसरे दिन उसके वालिदा फिर आए, मगर उस दिन भी जुरैज इबादत में मशगूल थे। उसके वालिदा ने पुकारा जुरैज, जुरैज ने दिल में कहा अरे मेरे रब, एक तरफ मेरी नमाज और दूसरे तरफ मेरे वालिदा, क्या करूँ। चुनांचे उसने उस मरतबा भी वालिदा का जवाब देने की वजह नमाज को तरजीह दी, हत्ता कि उसके वालिदा वापस चले गए। तीसरे दिन उसके वालिदा फिर आए, मगर उस दिन भी जुरैज इबादत में मशगूल थे। उसके वालिदा ने पुकारा जुरैज, जुरैज ने दिल में कहा अरे मेरे रब, एक तरफ मेरी नमाज और दूसरे तरफ मेरे वालिदा, क्या करूँ। चुनांचे उसने मरतबा भी वालिदा का जवाब देने की वजह अपनी इबादत कर तरजीह दी, हत्ता कि उसके वालिदा उसके लिए बरदुआ करते हुए कहा या अल्लाह, जब तक जुरैज की बदौलत का मुंह ना देख ले उस वक्त तक उसका मौत ना आए। इधर बनी इसराइल के लोग उसी जुरैज का वरजत का चर्चा होने लगा, तो एक फायस औरत जिसके उसने के लोग मिसाल दिया करते थे, उन लोगों ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं जुरैज को फितना मुबतला कर सकती हूँ। चुनांचे वो जुरैज के पास चले और अपने आप को पेश कर दिया, मगर जुरैज ने उसके लिए तो जना दी। चुनांचे वो एक चरवाहा के पास चले गए जो जुरैज की इबादत के पास चरा करते थे और अपने आप को पेश कर दिया, मगर उस चरवाहा ने फायसरा औरत के साथ बदकरी की है जिससे वह हमला हुआ। जब बच्चा जना तो लोगों ने मशहूर कर लिया कि ये जुरैज का बच्चा है, उसे बाहर निकले और उसे मारना शुरू कर दे। जुरैज ने कहा क्या मौजरा है, उन लोगों ने कहा तुमने फायसरा औरत के साथ बदकरी की है जिससे वह बच्चा पैदा हुआ। जुरैज ने कहा वो बच्चा कहाँ है, लोगों ने वो बच्चा ले आए। जुरैज ने कहा मौजे मोहल्ला दो कि मैं नमाज पढ़ लूँ। चुनांचे उसने नमाज पढ़ने के बाद और फरागत के बाद उस बच्चे को पेट को कूदा और कहे वो बच्चे तेरा बाप कौन है। उस बच्चे ने कहा फला चरवा। ये अकामत देख कर लोगों ने जुरैज का हाथ पाँव चूमने शुरू कर दिए और कहने लगे जुरैज तुम्हारा इबादत सोने का बना दूंगी। जुरैज ने कहा नहीं, बल्कि ये जैसे पहले मिट्टी का था उसी तरह ये दोबारा मिट्टी का बना दीजिए। चुनांचे लोगों ने उसे दोबारा मिट्टी का बना दिए। मेरा तकरीर यहीं से ख़त्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों और माँ और बहनों को वालिदैन के हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व सुम्मा आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।